हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। और साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री एक ही वीडियो के अंदर। इसके बाद मेडाइवल आएगी और उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये दो वीडियो आएंगी कि नहीं आएंगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बताऊँगा आप लोग पर कैसे डिपेंड करता है। तो आइए, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया है इस प्रकार, फिर उनको समझाया है, फिर उसका जितना भी एक्सप्लेनेशन होता सकता है हर चैप्टर वाइज इसी प्रकार किया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। बाइलिंगुअल कंटेंट है तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन नॉट करेक्टली मैच है? ध्यान देना, नॉट मतलब कौन सुमेलित नहीं है। तो सर, हड़प्पा को तो बिल्कुल दयाराम साहनी जी ने ही डिस्कवर किया 1921 में, ठीक है। लोथल ऐसा राव साहब ने ही किया सर। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, तो कम से कम दो तो आपने पढ़े ही पढ़े होते हैं। तीसरा आपका ये धोलावीरा, तो ये गलत ऑप्शन कौन सा? धोलावीरा बी के थापर का नहीं है सर, तो किसका है सर? ये चलिए ऑप्शन में दिखा देते हैं। इसको खोजा किसने? विष्ट ने खोजा। किसने? विष्ट ने। तो हड़प्पा वाच डिस्कवर्ड बाई दयाराम साहनी 1921। लोथल को ऐसा राव साहब ने 1957 में, ठीक है। उसी प्रकार सुरकोटा, इसको विष्ट ने खोजा है। और धोलावीरा को, धोलावीरा इज लोकेटेड एज कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि आपसे जगह भी पूछी जाती है। आइए एक एक करके मेजर साइट्स ऑफ आईवीसी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट कौन कौन सी थी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है। तो पहली हड़प्पा है, मैंने आपको बता दिया। किसने डिस्कवर की सर? दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर की। किसने? दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर की इसको। कब की बात है? 1921 में, ठीक है। और ये अभी कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है ये, ठीक है सर। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हमको सर मुख्य चीज़ें क्या मिली हैं तो वो देख लेते हैं। इट वाज अ मेजर अर्बन सेंटर, यानी ये कैसा था? प्रमुख शहरी केंद्र था, ये शहरी केंद्र था। वेल प्लान्ड लेआउट था यहाँ पर। फोर्टिफाइड साइटल्स मिले हैं यहाँ पर, गढ़वाले मिले हैं, ठीक है। ग्रेड पैटर्न मिलता है यहाँ पर शहरों का। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। आपसे वैसे इतना पूछता नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि वो आपसे पूछेगा कि हड़प्पा की डिस्कवरी किसने की। और ये अगर आपसे प्लेस पूछ लेगा तो याद रखना ये प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से प्रश्न बन जाते हैं। इसको हम माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं। और ये लार्जेस्ट साइड है किसकी? आईवीसी की। अगर लार्जेस्ट साइड बोल रहा है आईवीसी की, तो मतलब जो पूरे जो वर्ल्ड में आईवीसी है उसमें से बात चल रही है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो की सर डिस्कवरी किसने की थी आपने बताया था अभी, तो जिस प्रकार उनकी दयाराम साहनी ने, तो इसकी की थी राखल दास बनर्जी, ठीक है। कब? 1922, ठीक। कहाँ है सर ये प्रेजेंटली? कहाँ है? तो प्रेजेंटली बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ये भी। और यहाँ पर हमको ग्रेट बात मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ग्रेट बात हमको कहाँ से मिला है? तो याद रखना, ग्रेट वात, ग्रेनरीज यानी कि अन्न भंडार, ग्रेट वात, ये सबसे कहाँ मिली है? और जल के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सबसे अच्छा काम मिला है तो मोहनजोदड़ो के अंदर मिला। और इसको क्या कहते हैं? माउंट ऑफ डेड कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। अगर अभी तक साथियों आपने टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक वाला बटन दबा लीजिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है वीडियोज़ में, ठीक है। आगे आइए, धोलावीरा ये गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। और ये प्रश्न इस प्रकार ही पूछा गया था कि धोलावीरा कहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे बहुत सारे दिए थे मांडा, जैसे एक मांडा दिया तो मांडा कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, इस प्रकार, ठीक है। मांडा था, राखीगढ़ी थी, धोलावीरा था, और उसमें से आपको बताना था कि ऑड कौन सा है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, तो याद रखना धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के अंदर है। सर यहाँ पर कुछ मुख्य चीज़ें मिली हैं तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। ये हड़प्पा के, ये धोलावीरा पाँच सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है, ठीक है। और अपने अच्छी तरह से संरक्षित खंडारों में से जाना जाता है, ये मजबूत कर, ये याद रखना आप लोग। धोलावीरा लार्जेस्ट साइड है आईवीसी की, अभी मैंने बताया मोहनजोदड़ो लार्जेस्ट साइड है आईवीसी की, लेकिन याद रखना धोलावीरा कहाँ की? इंडिया की। तो अगर भारत में हम बात करते हैं तो धोलावीरा कैसी है? लार्जेस्ट साइड है। धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइड में भी जोड़ लिया गया, याद रखना ये वाला भी क्वेश्चन। और कब जोड़ा गया ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। साथियों इस वीडियो का लाइक का टारगेट रहेगा 100 लाइक्स। और कमेंट मुझे ये नहीं चाहिए नाइस सर, गुड सर, यस सर, मुझे चाहिए कि आपको सेकंड पार्ट मॉडल मेडाइवल का चाहिए, और कुछ क्या मेरे अंदर कमियां लगती हैं, क्या अच्छाइयां लगती हैं, वो कमेंट बॉक्स में छापनी है, ठीक है। तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, नहीं तो आप लोग सोचते रहना नहीं आएगा, क्योंकि मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ा चुका हूँ।
लोथल की बात करते हैं सर, धोलावीरा के बाद लोथल आती है साइड, तो लोथल भी कहाँ है सर, गुजरात में प्रेजेंट है, इतना याद रखना। लोथल क्या इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, कैसी है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ से सर मनका बनाने वाले उद्योग के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर हमको वीड मेकिंग इंडस्ट्री भी मिलती है, कहाँ पर, लोथल में, ये चीज़ें याद रखना आप लोग। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो नर और मादा के दोहरे दफन होने के प्रमाण को प्रकट करता है, यानी कि सती प्रथा से सुझाव जुड़ा हुआ मिलता है। कैसे सर, एक ही ग्रेनाइट के अंदर मेल और फीमेल मिलते हैं, तो हम लोग मानते हैं कि शायद यहाँ पर सती प्रथा जैसा कोई प्रचलन होगा। ये कहाँ की बात है सर, लोथल की बात है, ठीक है। अगर साथियों नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी आप जो टारगेट गुरुकुल का ऑफिशियली ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर भी ये नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इस नोट्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, कहीं समझ नहीं आता, तो इस नंबर मैसेज करना, कॉल करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। कालीबंगन सर, कालीबंगन से बहुत प्रश्न आते हैं सर, कालीबंगन जुते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं सर हमको कालीबंगन, कालीबंगन में प्रेजेंटली कहाँ है, तो राजस्थान में है इस समय, कहाँ है ये, राजस्थान में है, ठीक है। और ये इसमें से क्या है कि अभी देखो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता स्थल है, इसमें कई ईंटों के घर भी मिलते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है। यहाँ से और क्या मिलता है, चूड़ियों के निशान भी मिलते हैं शायद यहाँ से, ठीक है, ब्लैक चूड़ियाँ, तो ब्लैक बेंगल्स भी यहीं से मिलते हैं, कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान, याद रखना ये सब। अब इसके बाद आइए सर, इसके बाद है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी का आप लोग क्या याद रखें कि राखीगढ़ी है कहाँ, तो हरियाणा में है, ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है ये भी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक बाजार, एक कब्रिस्तान के साथ सुमेजिन, तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखना। इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जगह कहाँ पर प्रेजेंट है और उसमें क्या विशेषताएँ थी, तो मैंने कोशिश की थी कि आपको पूरा IVC अच्छे तरीके से समझा दिया जाए इतने कम टाइम में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द एग्जीबिटिव एविडेंस द डोमेस्टिक एनिमल वेगेंस इन विच पीरियड, यानी उत्खननों के अनुसार जो पशुपालन है वो किस में प्राप्त होता है, तो बताइए लोअर पैलोलिथिक में होता है, मिडिल में होता है, अपर में होता है, मेसोलिथिक में होता है, तो बिल्कुल याद रखना साथियों, ये हमको ये चीज़ें मिलती हैं, तो ये कब मिलती हैं, तो ये मेसोलिथिक काल में मिलती हैं, कब, मेसोलिथिक काल में मिलती हैं सर। मेसो और लिथिक का मतलब क्या होता है सर, लिथिक, देखो अगर पैलियोलिथिक बात करें तो पैलियो मतलब पहले, पुरापाषाण काल, लिथिक का मतलब होता है क्या होता है, पत्थर, ठीक है, स्टोन होता है, तो इस प्रकार याद रखना, आपसे पूछ ले तो ये टर्म याद रखना। जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाता हूँ BA पार्ट 1 के लिए, तब मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और मैं यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करने लगूँगा तो आप चीज़ें नहीं समझ पाओगे। अब इसमें से सर महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपसे पूछा गया था कि आदमगढ़ की साइड कहाँ पर स्थित है, तो MP में है, और वैगर कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, और वैगर कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ से हमें पशुपालन की एविडेंस मिलते हैं, और ये कब की साइड है सर, मेसोलिथिक काल की ये साइड है, ठीक। मेसोलिथिक काल कब आता है सर, तो पहले आपका क्या आएगा, पैलियोलिथिक आएगा, फिर मिडिल पैलियोलिथिक आएगा, फिर अपर पैलियोलिथिक आएगा, और उसके बाद न्यूलिथिक, और फिर मेसोलिथिक, ठीक। नहीं, मेसोलिथिक बीच में आता है, पहले देखिए पैलियोलिथिक आएगा, फिर मेसोलिथिक, फिर न्यूलिथिक, इस प्रकार याद रखना, ठीक। MNOPQR, तो इस प्रकार PQ के बाद RST, इस प्रकार आप लोग याद रख लेना, अगर रखना है तो, वैसे नहीं तो आप सीधे कर सकते हो। हमको इसमें से पूछ रहा है कि अनाज की खेती हुई वो किस युग में मिलता है, तो ये मिलता है हमको न्यूलिथिक में, कब सर, नवपाषाण काल में, ये लास्ट का युग है, ठीक है, नवपाषाण काल। अगर किसी को इनका ईयर पता हो कि पैलियोलिथिक कब था, फिर मेसोलिथिक कब था, और न्यूलिथिक कब था, तो आप लोग इसके बारे में छाप सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इनकी क्या क्या विशेषताएँ थी कि हमको न्यूलिथिक में क्या मिलता है, ठीक है, पैलियोलिथिक में क्या मिलता है, ठीक है, प्रोटोस्टोरी, ये सब सारी चीज़ आप लोग बता सकते हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण साइड रख के आना मेहरगढ़, ठीक है, न्यूलिथिक की सबसे इम्पोर्टेंट साइड मेहरगढ़ है, और कोड़ी वाला, ठीक है, और उसकी कौन सी थी, हमारी मेसोलिथिक की, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर है, और वैगौर कहाँ है, राजस्थान के अंदर है, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आइए, चालकोलिथिक एज हम किस एज को जानते हैं, तो ये प्रश्न इसी प्रकार पूछा गया था, तो चालकोलिथिक क्या हम स्टोन एज को जानते हैं या फिर न्यू स्टोन एज को जानते हैं, तो याद रखना, मैं सीधा आंसर बताता हूँ, कौन सी जानते हैं, कॉपर एज को हम चालकोलिथिक एज के रूप में जानते हैं, तो कॉपर एज के बारे में यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट उस समय पर बनते थे, जो भी औजार बनते थे, वो धातु तांबा के, तो ताम्र युग होता था, और उसी के क्या कहते हैं, औजार बनते थे, हथियार बनते थे, ठीक।
हाईलाइट लगा लीजिए, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जितने स्टार लगा सकते हो लगा लीजिए। भीमबेटका कहाँ है, मैं जितनी भी साइड बता रहा हूँ साथियों वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई, चाहे आदमगढ़ हो, चाहे आपकी वेगर हो, ठीक है, चाहे मेहरगढ़ हो, ये सारी पूछी गई है। तो भीमबेटका कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहली बात तो भीमबेटका है कहाँ, तो एमपी के अंदर है। और इसकी क्या विशेषता है, यानी कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो भाई रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है सर। रॉक पेंटिंग मतलब कि सर चट्टानों में, उसमें क्या मिलता है, जो उसकी रॉक है ना उनमें अंदर, जब गुफा में जाएंगे हम लोग कैब में तो वहाँ पर हमको रॉक पेंटिंग मिलती है। कभी कोई शिकार कर रहा है तो शिकारियों की, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर लोग कैसे होते थे, कोई इनको सेंटर करता था या कोई नहीं था। तो याद रखना ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ी हुई, और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ठीक है, याद रखना आप लोग। और भी चीज़ें काफ़ी हैं, मैं थोड़ा वीडियो में तेज चल रहा हूं, तो आप लोग ये याद रखेंगे। भीमबेटका शिलाश्रय है, गुफाओं में अनेक दिलचस्प पेंटिंग मिलती हैं जो जीवन और समय को दर्शाती हैं, जिसमें गुफाओं में रहते हुए बच्चों के जन्म के दृश्य। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे जब नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, सॉरी, यस, एमंग ऑल वेदास, यानी कि ओल्डेस्ट वेदा पूछ रहा है कि सबसे पुराना वेदा कौन सा है। तो साथी मैंने आपको कितनी बार बताया कि सबसे पुराना वेदा कौन सा है, पहले ऋग्वेद आता है, ठीक है, तो ऋग्वेद ही तो सबसे पुराना होगा सर। तो बिल्कुल कौन सा होगा इसका, ऋग्वेद आंसर होगा। कौन सा, ऋग्वेद आंसर होगा। ठीक है, अब आइए वेदों के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं सर क्या क्या है। तो ऋग्वेद याद रखना मोस्टली जब मिलता है हमको 1500 से 1200 के बीच में मिलता है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट एमंग द फोर वेदास, यानी कि चार वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं, यहाँ से एक चीज़ पता चला कि चार वेदास होते हैं, और ऋग्वेद उसमें सबसे क्या है, प्राचीन है। ठीक है, और इसमें हमको पूजन, कर्मकांड, रहस्य, इस प्रकार की टिप्पणियाँ मिलती हैं। ठीक है, रिचुअल्स के बारे में आइए मैं एक एक करके, मैंने चारों को लिख दिया क्या क्या होता है। ऋग्वेद में हम पढ़ेंगे सर मंत्र, भजन, इनके बारे में, प्रार्थनाओं के बारे में। अथर्ववेद में हम लोग पढ़ते हैं दवा, मेडिसिंस के बारे में। सामवेद, यानी कि शाम के समय पर हमको गाना सुनना बहुत पसंद होता है, तो सामवेद में हम लोग पढ़ते हैं सर क्या, सॉन्ग वगैरह के बारे में, संगीत के बारे में। ठीक, उसी प्रकार यजुर्वेद में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, अनुष्ठान और बलिदान, यानी कि इसमें कर्मकांड, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो यजुर्वेद के अंदर पढ़ते हैं। बताइए चार वेद होते हैं, चारों वेदों की विशेषताएँ पता चल गया, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। कोई चीज़ अब तो दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, चीज़ें क्लियर हुई तो लाइक हो जाना चाहिए अभी तक। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम आईडी ये है अपनी, ठीक है, यहाँ फॉलो कर लेना। और बातचीत करने के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे थोड़ा पॉजिटिव कमेंट चाहिए आप लोगों का, अगर नेक्स्ट वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, बस ये नाइस सर, गुड सर नहीं, और कमेंट कम से कम 50, हर एक बच्चा कमेंट करके जाएगा और हर एक बच्चा लाइक करके जाएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है। तो नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि सर ये कमी थी। ठीक है, सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जो सत्यमेव जो है भारतीय का प्रतीक है वो हमने किस कहाँ से लिया है। तो साथियों ऋग्वेद से लिया है, या भागवत गीता से लिया है हमने, या फिर मुंडक उपनिषद से लिया है, या मत्स्य पुराण से लिया है। तो याद रखना इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। और ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया, मैं आपको क्या बताऊँ, SSC एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी प्रकार याद रखना सत्यमेव जयते जो क्या संस्कृत वर्ष है, और इसको हमने किससे लिया, मुंडक उपनिषद से लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार हमने गायत्री मंत्र को सर कहाँ से लिया है, जो बुक है वो हमने ऋग्वेद से लिया। गायत्री मंत्र जो किस ग्रंथ से मिलता है, तो हमको मिलता है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में सर एक देवता की बात की है, वॉर गॉड, यानी कि जो युद्ध के देवता हैं उनके बारे में बात की है। तो कौन है, तो इंद्र हैं। कौन है, इंद्र हैं। ठीक है, उनका याद रखना इंद्र हैं। अगला देखिए, तो अगले के बारे में बात करें सर, अगले के बारे में बताइए सर, तस्मो माँ ज्योतिष ज्योतिर्मय, ये किस में से लिया गया है। तो इसका याद रखना ये भी हमने उपनिषद से लिया है। ये प्रश्न भी पूछे गए प्रश्न थे, तो मैंने इनको तीनों को वन लाइनर फॉर्म में डाल दिया है। साथियों अगर ये नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। साथ ही याद रखना ये रिवीजन क्लास है, अगर आप लोग इस क्लास के भरोसे ही एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोगों के पास टाइम है अभी, आप NCERT बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, ना कि ये कि आप लोग बिना पढ़े एग्ज़ाम देने जाएँ और काम हो जाए। ठीक है, आप लोग बताइए हु इज़ द कंसिडर द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है। ठीक है, बुद्धिज्म को किसने खोजा, तो बुद्धा ने। किसने, बुद्धा। आइए बुद्धा से रिलेटेड कुछ प्रश्न समझ लेते हैं सर। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ये इंग्लिश में, लेकिन समझा हिंदी में रहा हूँ, नोट्स जब डाउनलोड करोगे तो आपको बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे मैंने सारे नोट्स हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखे हैं, लेकिन कुछ रह गए तो उनको मैं हिंदी इंग्लिश में कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी।
बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करेंगे सर। बुद्धिस्ट काउंसिल में तो आप याद रखना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होती है, तो ये होती है राजगिरी में। कहाँ होती है? राजगिरी में। और उसको प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो महाकाश्यप होते हैं, ठीक है। और उस समय पर कौन रूल कर रहा होता है, किसके अंडर में होता है, तो अजात शत्रु के में होती है, ठीक है। किसके में होती है? अजात शत्रु के में होती है। बाकी चीज़ें नीचे लिखी है कि आउटकम क्या निकलते हैं, तो ये सब पढ़ लेना। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होती है? वैशाली में होती है सर, ठीक है। और ये काल अशोक उस समय पर कौन होते हैं, रूल कर रहे होते हैं, काल अशोक। तीसरी कहाँ होती है? तो पाटलिपुत्र में होती है सर, और अशोक उस समय पर रूल कर रहे होते हैं। चौथी कहाँ होती है? तो याद रखना आप, चौथी कहाँ होती है, तो ये होती है कुंडलवन, कश्मीर के अंदर होती है, ठीक है। और इसमें कनिष्क, इनके अध्यक्षों के नाम भी याद रखना कि कौन इसको प्रेसिडेंस कर रहा था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे ये अध्यक्षों के नाम। बाकी पूरी डिटेल आप लोगों के लिए नोट्स छोड़ दिए गए, क्योंकि आप कुछ आप लोगों को भी पढ़ना होगा साथियों, ठीक है। आइए आगे कुछ क्वेश्चंस को करें, फिर हम लोग चलते हैं। तो देखिए, हमने बुद्ध काउंसिल से जुड़े हुए क्वेश्चन देखे, अभी उन बुद्ध के जो भी क्वेश्चन बचे उनको भी अभी डील करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें 16 महाजनपद मिलते हैं 6th सेंचुरी में, वो कौन सा बुद्धिस्ट सेंचुरी टेक्स्ट है? तो याद रखना, क्या वो दीगर निकाय है, या फिर त्रिपटिका है, या फिर दीपस्वाम है, या फिर अंगुत्तर निकाय है। तो याद रखना कौन सा? अंगुत्तर निकाय है। तो अंगुत्तर निकाय में हमको 16 महाजनपदास के बारे में पता चलता है, 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। तो याद रखना 16 महाजनपद कौन से थे? तो सर बाजी था, माला था, छेदी था, वत्स्य था, अस्मक था, कम्बोज था, काशी था, अंग था, मगध था, कौशल था, मत्स्य था, पांचाल था, कुरु था। तो इस प्रकार हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे 16 महाजनपद जो भी थे आपके, कौन कौन से थे? वाजिता, मल था। इनके आपसे प्रेसिडेंट वो पूछ सकता है राजा कौन था और इनकी राजधानी कहाँ थी। तो अगर ये पूछता है तो आप लोग इनके बारे में जरूर लिखेंगे, समझेंगे बात को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा है, जो मगध में। तो नंद डायनेस्टी के कौन थे? तो याद रखना कौन थे? महापद्म नंदा थे। कौन थे? महापद्म नंदा थे। धनानंद तो आखिरी रूलर हो जाते हैं इसके, इन्हीं के बाद तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य शासन पर बैठते हैं। तो याद रखना इस प्रकार भी आप लोग याद रखना, शिशुनाग वंश को उखाड़ कर फेंका था, और महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। किसकी? नंद वंश की। और नंद वंश को ख़त्म करने वाले कौन थे? चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इस प्रकार भी आप लोग चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें मजा आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, पहले साथ ही आप लोग लाइक करो, एक मिनट जाके सारे लोग लाइक करो और कमेंट में लिखो, जब तक मैं आपको एक दो प्रश्न बताता हूँ। जीवक जो थे वो किसके दरबार में चिकित्सक थे? किसके दरबार में चिकित्सक थे, तो बताइए। तो याद रखना बिल्कुल साथियों, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि किसके में थे, तो बिंबिसार के में थे। जीवक किसके में थे? बिंबिसार के में थे। ये प्रश्न आपके पूछे जाते कि कोर्ट पोइट कौन था, यानी कि दरबारी कवि कौन था, या फिर उनके दरबार में कौन कौन लोग काम करते, तो उनके बारे में पूछा जाता है। इसी प्रकार आपने मुगल में देखा होगा, मुगल के 9 जो नवरत्न होते हैं उनके पूछा जाता है। इसी प्रकार आपके चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, इन सब के बारे में भी पूछी जाती है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो जीवक जो प्रसिद्ध चिकित्सक बिंबिसार के थे, उन्हें बिंबिसार ने अवंती के समय उज्जैन भेजा गया था, क्योंकि राजा जो प्रद्योत थे उनको पीलिया हो गया था, ठीक है। आप लोग ये याद रखना, वो अवंती भेज दिया जाता है उन्हें, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट, यस। साथियों बुद्ध से जुड़े हुए भी प्रश्न हैं तो उनको भी हमें करना है, पहले थोड़ा सा आगे इधर कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मतलब 30 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा लगभग, तो आप लोग चीज़ों को ध्यान से समझ लेना, ठीक। यस, अगला प्रश्न देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, जब तक लाइक भी कर लो। हाँ, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था, ये पूछ रहे आपसे। कितना सिंपल प्रश्न है सर, अगर हमसे अलेक्जेंडर की इन्वेंशन की बात करें तो अलेक्जेंडर किसके दरबार में आए थे, आप लोग मुझे बताइए जरा। एक मिनट, सॉरी यार, ये क्या हो रहा है। तो अलेक्जेंडर किसके दरबार में आए थे, तो नंद डायनेस्टी की बात है, और उस टाइम पर कौन राज्य कर रहा था नंद डायनेस्टी में, उनका नाम आप लोग बताएंगे। कौन राज्य कर रहा था नंद डायनेस्टी में, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में आते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये दनानंद के टाइम पर आते हैं। किसके टाइम पर? दनानंद के टाइम पर आते हैं, ठीक है। तो और उनका ईयर कौन सा है, तो 326 ईस्वी में अलेक्जेंडर। याद रखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि किस डायनेस्टी में आते हैं, तो नंद डायनेस्टी में आते हैं। रूलर कौन था, तो धनानंद था। ये क्या हो रहा है, एक मिनट।
थोड़ा साथियों वो करना, थोड़ा मोबाइल हीट कर रहा है इसलिए दिक्कत आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करें सर किसकी बात कर लेते हैं, तो वो यहाँ तक आ गए हम लोग। यस यस यस, कुछ प्रश्न जुड़े हुए थे। यस हाँ, अर्थशास्त्र बुक के बारे में पूछ रहे हैं, कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र। पहली बात तो ये पता चल गया कि कौटिल्य की बुक कौन सी है, तो अर्थशास्त्र है। तो जो अर्थशास्त्र के अंदर साथियों जो बात होती है ना, वो किसकी बात होती है, तो बुक सरकार के सिद्धांतों की बात होती है, प्रिंसिपल ऑफ किसकी बात होती है, गवर्नमेंट की बात होती है, गवर्नमेंट को कैसे रन किया जाए। ठीक है, वैसे वो चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, वो दरबार में थे। ठीक है, उसके लेकिन उसमें बात जो है वो किसकी है, तो गवर्नमेंट की बात है कि गवर्नमेंट को कैसे रन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे कि क्या डिटेल है सर। तो अर्थशास्त्र बुक जो है उसमें पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की बात है और किंग और मिलिट्री के बारे में बात करता है। अगर आप अर्थशास्त्र को पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको साथियों। इस बुक में कितना मतलब कूटनीतियों के बारे में बात है, आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए आप लोग। जो अशोक की इंस्क्रिप्शन है उन्हें किसने पढ़ा था फर्स्ट टाइम, तो याद रखना जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है अशोक की जो क्या कहते हैं जितनी भी, अब देखिए अशोक की जो इंस्क्रिप्शन थी, जो शिलालेख थे, उनको पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे। भाषा थी मगधी, कभी प्राकृतिक मिल जाती है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी मिलती है। तो इस प्रकार आप याद रखना जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि खरोष्टी जो लिपि है उसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, और इसके बारे में भी इसमें पता चलता है कि इसके दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ लिखा जाता, किसको, खरोष्टी लिपि को। ठीक है, मतलब उल्टी थी ये लिपि, कैसे, इससे इस तरफ लिखा जाता, ऐसे ऐसे करके ऐसे लिख के लाते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन इसमें कैसे था, राइट टू लेफ्ट था, खरोष्टी लिपि में। इसके बारे में पूछ लेता कभी कभी। इंडिका बुक के राइटर पूछ रहा है कि इंडिका के राइटर कौन थे, तो इंडिका के लेखक कौन है, तो याद रखना मेगस्थनीज है। कौन है, मेगस्थनीज है। अब बात आती है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में सर आई थी, तो याद रखना मेगस्थनीज जो आते हैं वो किसके दरबार में आते हैं, मौर्य काल में आते हैं। किस में आते हैं, मौर्य काल में आते हैं। और यूनानी जो राजा थे, यूनान के एक राजा थे जिन्होंने मेगस्थनीज को यहाँ पर भेजा था। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, तो नाम एक बार देख लीजिए, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को भारत भेजा था। और किसके दरबार में आए थे, ये प्रश्न दूसरा है, तो बताइए किसके दरबार में आए थे, तो आप लोग याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। किसके दरबार में आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। तो तीन चीज़ें पता चली, मेगस्थनीज की बुक कौन सी सर, इंडिका है, और इंडिका में ज़्यादातर यही पता चलता है, क्या कहते हैं, भारत के इतिहास के बारे में लिखा है कि कैसे राजा रन करते थे। तो सेल्यूकस निकेटर के दरबार वो थे, क्या कहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, और ये इनकी बुक तो आपको पता है इंडिका है, जिसमें मौर्यन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और ये इसको रिफरेंस टू अर्थशास्त्र के बारे में भी बताते हैं। अब प्रमुख बुक हैं, जो बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये पीडीएफ है इंग्लिश में तो समझ लेना, हिंदी में बताता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट बुक है पढ़नी आपको सारी है। जैसे आप याद रखना हर्षचरिता को लिखने वाले थे वानभट्ट, कामसूत्र है वात्स्यायन की। ठीक है, कामसूत्र किसकी है, वात्स्यायन की है। इसमें मृच्छकटिका तो जो थी शूद्रक की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैं बता रहा हूँ आपको जो। ठीक है, ऐसी आपकी अमृता निकाय है, बृहत समता है, रामचरिता है, तो याद रखना किसकी है। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे इधर नाट्यशास्त्र है, तुलसी किसकी है, भरत मुनि की है। ठीक है, नाट्यशास्त्र गीत गोविंद जयदेव की है, इम्पोर्टेंट थी ये। पंचशास्त्र पंचतंत्र किसका है, विष्णु दत्त, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्ता, ये भी विशाख दत्त की, ये इम्पोर्टेंट, दोनों बुक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारी बुक आपको पढ़नी है, विल्लर्ड की जो बुक है ये वाली आपको पढ़नी है ज़रूर भाई, मतलब बुक नहीं पढ़नी लेकिन ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए कि कौन से किसने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, जैसे रत्नावली है तो रत्नावली याद रखना किसकी है, हर्षवर्धन की है, हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरिता लिखी है और उनके दरबारी कवि ने लिखी है ये हर्षचरिता, किस लिखी है, वानभट्ट ने, याद रखना। ठीक है, ऐसे महाभाष्य है तो पतंजलि, महाभाष्य किसकी है, पतंजलि की है, याद रखना। ठीक है, पतंजलि जो योग गुरु पतंजलि वाली। ठीक है, आइए कुछ फॉरेनर बुक हैं, जो फॉरेन की बुक हैं उनके बारे में देखें, तो सर ज्योग्राफी इनका देख लेना, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है, इस प्रकार आप याद रखना। इंडिका किसकी है, तो मेगस्थनीज की है,
ठीक है। हिस्टोरिका किसकी है, तो हेड्रोस की है। अलेक्जेंडर की जो बायोग्राफी है वो याद रखना, फाइयन की जो वो क्या वो याद रखना। तो इस प्रकार मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा और ये आपको खुद पढ़नी है। इसमें मैंने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मेंशन कर ली हैं। एक आपसे पूछ रहा कि सिल्क रूट की खोज किसने की थी, तो साथ ही याद रखना सिल्क रूट की खोज किसने की थी, बिल्कुल आप लोग बताएंगे सिल्क रूट की खोज किसने की थी। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि सिल्क रूट की खोज किसने की थी, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। सिल्क रूट की खोज किसने की थी और किसके शासक नियंत्रित में हुई थी, ठीक है, कौन सा टाइम पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंट्रोल द सिल्क रूट, तो याद रखना कौन था, तो अभी तक आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, याद रखना कनिष्क थे। कौन थे, कनिष्क थे। कनिष्क के बारे में कुछ याद रखना कि चर्क उनके दरबार में प्रसिद्ध कैसे थे, चिकित्सक थे, कौन, कनिष्क। कोर्ट पोइट कौन है समुद्रगुप्त, तो हरिशयन कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्त के, याद रखना ये बात। समुद्रगुप्त को जो कॉइन थी उन पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, तो याद रखना बीड़ा बजाने का शौक किसको, तो समुद्रगुप्त को था। और नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, कुमार गुप्त हैं, कौन, कुमार गुप्त हैं। तो साथियों अभी तक वीडियो कैसा लगा, आइए कुछ और प्रश्न करने हम लोगों को। पहले आप वीडियो का फीडबैक और कमेंट बॉक्स में छापिए कि क्या था। आइए मैं कुछ आपको जो बुद्ध से जुड़े हुए क्वेश्चन रह गए तो उनको थोड़ा सा निपटा लिया जाए, वो इंग्लिश में थोड़ा आप लोग देख लेंगे। जैन टर्म ऑफ साइकिल वर्थ एंड डेथ रिवर्थ, इसको क्या कहते हैं, तो संसार कहते हैं। क्या कहते हैं, संसार कहते हैं। इनकी हिंदी आपको मिल जाएगी जब आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे, तो ये PDF आपको मिल जाएगी जिसमें कुछ मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ा दिए, कुछ रह गए जिनको आपको खुद को पढ़ना है। इस PDF 14 पेज की में बहुत सारे प्रश्न हैं साथियों, ये PDF आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बुक के बारे में जितना भी पूछा जाता है मैंने सारी बुक की PDF आपको प्रोवाइड करा दी, मतलब कि इसी बुक में मैंने अटैच कर दिया कि कौन कौन सी चीज़ आपसे पूछी जाती हैं। जो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, उन पर टिक लगा दिया है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर पढ़ लेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे। वंदे मातरम।